Hello everyone, I'm fine, and now I'm going to teach you class 3rd standard NCERT book EVS subject chapter number 23. A beautiful cloth यानी कि beautiful यानी कि होता है बहुत सुंदर, है ना? तो beautiful का मतलब होता है सुंदर और क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा। तो यहाँ पर हम अ ब्यूटीफुल क्लोथ इस चैप्टर को हम रीड करेंगे, फिर इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं हम उसे नेक्स्ट पार्ट में यूज करेंगे। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग अ लेसन। लेसन अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रीडिंग करना जरूरी है। So let's start. If you're new in my channel, so don't forget to subscribe. Sajida's sister gives her a very beautiful dupatta. तो यहाँ पर जो ये लड़की है इसका नाम है सजीदा और इसकी सिस्टर यानी कि इनकी जो बहन होती है ये उन्हें बहुत ही प्यारा एक ब्यूटीफुल सा दुपट्टा देती है। दुपट्टा यानी कि वन पीस ऑफ द क्लोथ जिसे लेडीज जो रखती है अपने ड्रेसेस के साथ साइड में, ओढ़नी भी जिसे बोलते हैं, वो दुपट्टा उन्होंने बहुत ही सुंदर किसे दिया, सजीदा को दिया। द दुपट्टा हैज अ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर स्टक ऑन इट। जो सजीदा की सिस्टर ने उन्हें दुपट्टा दिया था वो बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी से डिज़ाइन किया हुआ था, कुछ इस तरीके से। अब एम्ब्रॉयडरी यानी कि क्या? एम्ब्रॉयडरी यानी कि जो धागा होता है, जैसे कि जो ड्रेस होता है ड्रेस के ऊपर धागे से कढ़ाई बुनाई किया हुआ डिज़ाइन, उसे हम एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। और स्मॉल मिरर स्टक, और ये जो डिज़ाइन है इसे एम्ब्रॉयडरी बोला गया और इसके बीच में मिरर लगा हुआ था। फिर बोला गया है आफ्टर अ फिनिशिंग अ डिनर सदीजास ट्राई टू वेयर द दुपट्टा इन अ डिफरेंट वेज। फिर क्या हुआ, रात को खाना खाने के बाद सजीता ने क्या किया, उस दुपट्टे को बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसे पहनने की कोशिश की। वेयर यानी कि पहनना। सून शी गॉट ट्राइड प्लेइंग विथ द दुपट्टा एंड फेल अस्लीप फिर वेयरिंग इट। फिर क्या हुआ, उसने बहुत तरीके से पहनने की कोशिश की, उससे इससे मज़ा आया, उनने खेला और फिर वो सो गई दुपट्टे के साथ ही। शी वॉज अ थिंकिंग अबाउट द दुपट्टा इवन इन हर ड्रीम। हाउ वुड सच अ ब्यूटिफुल दुपट्टा हाउ बीन मेड। अब यहाँ पर क्या होता है, वो खेलते खेलते उससे पहनते बहुत तरीके से ट्राई करते हुए वो सो गई, लेकिन जब वो सोती है तो वो अपने सपनों में भी उस दुपट्टे के बारे में ही सोचती है कि इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना, तो कैसे बना इस बारे में ही वो सोचते रहती है। हाउ डू यू थिंक साजिदास दुपट्टा वॉज मेड। अब यहाँ पर बात आती है कि दुपट्टा कैसे बना। टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच क्लोथ। अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो क्या किया गया, एक दुपट्टा लिया गया लॉन्ग, यानी कि आपको तो पता है दुपट्टा कैसा होता है, लॉन्ग, कुछ साड़ी की तरह, पर साड़ी बहुत ही लंबी होती है, उससे हाफ, यानी कि अगर सपोज 5 मीटर की साड़ी है तो दुपट्टा सिर्फ 2 ही मीटर्स का होता है। तो हमें यहाँ पे एक पीस ऑफ क्लोथ लेना है या फिर हमें एक ऐसा कपड़ा लेना है जो लंबा हो और बिना सिला हुआ हो, यानी कि खुला हो।
देन नेक्स्ट पॉइंट, डिड एनीवन वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन? इन व्हाट अदर वेज वॉज द क्लोथ वॉर्न? अब क्या होता है, जब ऐसा कपड़ा होता है तो इससे कोई भी लुंगी पहन सकता है या टर्बन। टर्बन यानी कि हम जो सर पर पगड़ी पहनते हैं उसे ही हम टर्बन कहते हैं। यहाँ पे सर पर अगर आपने देखा होगा राजस्थानी, वेट मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये है टर्बन। टर्बन यानी कि कुछ इस तरीके से ये सर पर पहना जाता है। इसे हम अलग अलग तरीके के नाम से पगड़ी बोलते हैं, कोई कुछ और बोलता है, लेकिन ये है टर्बन, जो ऐसा कपड़ा जिसे हम सर पर बांधते हैं अलग अलग स्टाइल से। तो ये हो गया टर्बन, ठीक है, हिंदी में हम इसे पगड़ी कहते हैं। देन नेक्स्ट, लुक एट एनी सिक्स गारमेंट एट होम, व्हाट अ डिफरेंस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, देयर क्लोथ्स एंड डिजाइन? अब यहाँ पे ये जो सेकेंड पॉइंट था, इसमें बताया गया कि उस कपड़े को हम क्या लुंगी की तरह पहन सकते हैं, या फिर उसे दुपट्टे की भी तरह डाल सकते हैं, या फिर सर पर एक पगड़ी की भी तरह बांध सकते हैं। तो हम एक ही कपड़े को कितने सारे तरीके से पहन पाए, राइट? अब यहाँ पे थर्ड बोला गया है, लुक एट एनी सिक्स गारमेंट। अब आपके घर में ऐसे कपड़ों को देखना है, छह तरीके के कपड़ों को, उसमें अब क्या डिफरेंट है, आपको क्या लगा उस कपड़े, वो कपड़ा अलग था, उसका डिज़ाइन अलग था, उसका कलर, वो किस तरीके से बना हुआ है, ये सब कुछ आपको देखना है। एग्जाम्पल, आपके घर पे एक पैंट है और एक आपकी मम्मी की साड़ी है, तो पैंट पैंट कितना अलग होगा, पैंट का कपड़ा मोटा होगा, लेकिन अगर आप उसके बदले साड़ी देखोगे तो साड़ी पूरी क्या होगी, पतली होगी। उसके आजू बाजू अगर आप हाथ डालोगे तो आपका हाथ थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन जो साड़ी होगी उसमें ब्यूटीफुल कलर्स होंगे, डिजाइंस बने होंगे, फ्लावर्स बने होंगे, लेकिन पैंट पैंट सिंपल सोबर पूरा प्लेन होगा और कोई डार्क कलर का होगा। तो ये आपको इस तरीके से आपको डिफरेंस देखना है। देन नेक्स्ट आता है, लुक एट अ थिक क्लोथ और अ सैक केयरफुली, कैन यू सी अ थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स अ बीइंग अ ब्रिथ यू विल? अब यहाँ पर आप देखोगे हर कपड़े में जो स्टिच होता है, जो सिला हुआ कपड़ा होता है, अगर आप उसे देखोगे तो वो कुछ अलग होगा। और कैन यू सी अ थ्रेड रनिंग अलोंग इट अ बीइंग एंड अ ब्रिथ? अब फिर आप देखोगे कि उसकी लेंथ लेंथ और जो ब्रिथ होगी, यानी कि इस जो कपड़ा होगा ये हो गया लेंथ। जैसे कि सपोज यहाँ पर है ये ड्रेस है, ठीक है। अब ये जो ड्रेस है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ यानी जो कपड़ा होगा लंबाई में, उसे हम बोलेंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लंबाई। और जो कपड़ा इस तरीके से जो लेते हैं उसे हम विड्थ भी बोलते हैं या फिर ब्रिथ भी बोलते हैं, यानी कि इसे चौड़ाई बोलेंगे हम हिंदी में। तो उस दोनों के तरफ जो धागा होगा वो बहुत ही ज्यादा अलग होगा। देन फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ यू सी एनी पीसेस ऑफ क्लोथ क्लोजली। फिर आपको बताना है कि ऐसा और कौन सा कपड़ा था जिसे आपने पास से सेम ऐसा ही पैटर्न देखा है। यू कैन ऑल्सो वीव अ पेपर इन अ सिमिलर वे। अब आपको यहाँ पे वीविंग देखने मिलेगा, तो आपको यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी कि विड्थ और लेंथ में, आपको पेपर लेना है और उसको वीव यानी कि गूंदना है।
एक के ऊपर एक कर कर जिस तरीके से सेम कपड़ा होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। क्या बोलते हैं? वीविंग। जो कपड़ा होता है हमारा बुना हुआ होता है, उसी प्रोसेस को हम वीव बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको वीविंग ऑफ पेपर, तो ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से करना है। अब आपको सेम साइज के क्या करना है, टू पीस ऑफ पेपर लेना है। फिर पेपर, दो पेपर का अलग अलग कलर के लोगे और जब आप उसको वीव करोगे तो आपका रिजल्ट ऐसा आएगा। रिजल्ट में आपकी चटाई बनकर आएगी। तो यहाँ पे प्रोसेस लिखी गई है कि किस तरीके से आपको बनाना है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आप डायरेक्ट ही वीविंग ऑफ पेपर ये टॉपिक यूट्यूब पर डालिए और आपके पास दो पेपर रखिए, उसको स्केल से इस तरीके से सेम लाइन की करिए। सेम लाइन करने के बाद उसे कट करिए, सेम इसी तरीके से इतनी जगह छुट्टी रहनी चाहिए और यहाँ से कट रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपको किस तरीके से वीव करना है, आप उस तरीके से वीव कर कर ग्लू लगाकर आपका जो चटाई है वो रेडी हो जाएगा। देन प्रिंटिंग अ क्लोथ्स, प्रिंटिंग ऑन अ क्लोथ्स यानी कि प्रिंटिंग। प्रिंटिंग आपको पता होगी, जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके की डिजाइन होती है, जो कि हमने बेडशीट में देखा है, साड़ियों में देखा है, अलग से डिजाइन प्रिंट किए होते हैं। तो हम प्रिंटिंग ऑन क्लोथ्स, अब वो प्रिंटिंग कैसी होती है, हम घर पर कैसे कर सकते हैं देखते हैं। इन द लेसन द प्लेन प्लांट फेरी यू सॉ अ डिजाइन ऑफ फ्लावर एंड अ लीव्स मेड ऑन अ क्लोथ्स। अब क्या होता है, अपने आपने इस लेसन में देखा है कि जो कपड़ा होता है उसमें प्लांट के डिजाइन बने होते हैं, फूल के डिजाइन बने होते हैं, यानी कि फूल पत्तों के डिजाइन बने होते हैं कपड़ों पर, देखा ही है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपने, आपके घर में बेडशीट होगी उसमें तो जरूर देखा होगा कि उसमें फूल बने हुए होते हैं, पत्ते बने होते हैं। यू टू कैन मेक सम डिजाइन यूज अ कट ऑफ वेजिटेबल्स। अब क्या होता है, आप सेम तरीके का डिजाइन भी बना सकते हो। किस तरीके से, वेजिटेबल्स को यूज करके, वेजिटेबल्स को कट करना है और आपको कलर लेना है। तो यहाँ पे कौन सी वेजिटेबल यूज की गई है, लेडी फिंगर, भिंडी यूज की गई है। भिंडी को कट कर कर एक पेपर लिया गया है, या फिर एक आप कपड़े का पीस भी ले सकते हो। द क्लोथ शुड बी वाइट, आपको जो कपड़ा लेना है वो वाइट कलर का रहना चाहिए। फिर आपको कलर लेना है और वेजिटेबल कट की हुई, जो वेजिटेबल है उसको आपको कलर पे डुबाना है और फिर जो कपड़ा है उसके ऊपर प्रेस करना है। बिल्कुल हम जो स्टैम्प यूज करते हैं, अगर आपने स्टैम्प देखा होगा कि उसे ब्लू इंक पे डालते हैं और फिर पेपर पर स्टैम्प करते हैं, उसी तरीके से आपको स्टैम्प करना है। अ कट अ कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर। अब आप यहाँ पे कॉलीफ्लावर भी ले सकते हो या फिर लेडी फिंगर। अप्लाई कलर ऑन इट, कलर द कट अ फेस एंड मेक अ प्रिंट्स ऑन अ पीसेस ऑफ पेपर और अ क्लोथ्स। तो यहाँ पे भी बोला गया है, आप एक तो पेपर भी ले सकते हो या फिर एक कपड़ा भी ले सकते हो, पर पेपर और कपड़ा दोनों ही व्हाइट कलर का लेना है। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, मेक योर ओन डिजाइन। फिर आप यहाँ पर कट कर कर अपने तरीके के डिजाइन बना सकते हैं। गेटिंग द चिल्ड्रंस ऑफ द फ्यू पीपल प्रिंटिंग ऑन क्लोथ्स विल हेल्प देम टू रिलेट अवर ट्रेडिशनल आर्ट एंड चिल्ड्रन विल गेट अ चांस टू शो दिस क्रिएटिविटी। तो इससे क्या होगा, इस लेसन से आपको जो पेपर है उसको व्यू कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं कपड़े पे, और हमारा ट्रेडिशनल आर्ट क्या है, हमारा कल्चर क्या है, इसके बारे में इस लेसन से आपको पढ़ने को मिला। आई होप सो यू लाइक दिस लेसन। प्लीज लाइक शेयर।